प्रदेश में शराब बिक्री मामले में मुख्यमंत्री का फेक वीडियो ट्विटर पर शेयर करने में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुधवार सुबह उसी क्राइम ब्रांच थाने में समर्थकों के साथ पहुंचे, जहां उनके खिलाफ दो दिन पहले FIR दर्ज हुई थी। दिग्विजय ने राहुल गांधी के एडिटेड वीडियो को शेयर करने को आधार बनाकर शिवराज सिंह के खिलाफ शिकायत की है। दिग्विजय का कहना था कि अगर मेरे खिलाफ FIR हुई है तो शिवराज के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। अगर पुलिस केस दर्ज नहीं करती है तो मैं इसके लिए कोर्ट जाऊंगा। जब तक मेरी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। कि मैंने शिवराज सिंह चौहान के चुनाव क्षेत्र में जिस प्रकार आदिवासियों को ठगा गया 4.5 करोड़ उसको मैंने पत्र लिखकर उनको कहा है कि इस पर आप कार्रवाई करें और कार्रवाई नहीं होगी तो मुझे आपके घर के सामने आके प्रदर्शन करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा। तो उन्होंने एक छोटे से मसले को लेकर मुझ पर FIR करा दी और वही अपराध जिस पर मेरे खिलाफ FIR हुई है वही अपराध शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उसकी वीडियो क्लिप भी हमारे पास है, रियल की और फेक की। अब यदि मुझ पर FIR हुई है तो उन पर ही FIR होना चाहिए और हम मांग करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस से और भोपाल पुलिस से कि जिस प्रकार से उन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज किया है उसी प्रकार से शिवराज सिंह जी खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए और साथ में मेरे शिकायत मेरे पास आ रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इसी ट्वीट को लेकर पुलिस परेशान कर रही है। इन सब चीज़ों से बाज आए जब तक इसका पता ना लगे कि इस जो हुआ है ट्वीट उसका जो वीडियो क्लिप है उसका ओरिजिन कहां से है, किसने किया, जब तक इसकी जांच ना आ जाए किसी पुलिस अधिकारी किसी भी थाने में मध्य प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कर शिकायत हो तो उस पर कोई कार्रवाई ना हो, ये मेरी मांग है। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।